वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दुर्गा। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली, टाइटल है बेस्ट ऑफ अंधभक्त। देखते हैं इसमें क्या दिखाते हैं। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना। 370 धारा वो थी, उसमें वो नहीं था सर क्या उसमें जो स्पेशल था उनके लिए? बोलो, मैंने कहा बोलना क्या? बोलो बोलो सर, आप पूछिए, क्वेश्चन करिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? ठीक है, हम क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप कुछ बोलना चाहते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा ना। आप तेरा तो गेम बजाना पड़े। मैं पूछ रहा हूँ चुनाव का माहौल क्या है? या मैं बोलता हूँ, देखो चुनाव का माहौल ऐसा है कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जो है इसका एक लोकतंत्र, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो जब देश आजाद हुआ था, सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने काम किए, अब बीजेपी की सरकार बनी थी, और बीजेपी जो इस टाइम दुनिया में कांग्रेस से कई गुना अच्छा काम कर रही है। ये क्या बात करते हैं यार। तो मेरी दुनिया से, लोगों से यही अपील है कि हमें उसकी ही सपोर्ट करनी चाहिए जो देश को आगे लेके चले। ये है कि तो इस टाइम के हिसाब से और हालात के हिसाब से जो है बीजेपी जो एक अच्छा काम कर रही है। कब हुआ, कब? कुछ और तो नहीं बोल सकते, कुछ और तो नहीं बोल सकते। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। वाह मोदी जी, वाह वाह। बताओ काम, काम बताओ सर। इन्होंने धारा 370 का जो काम किया था, अरे हिमाचल का बताएंगे, कश्मीर का? अच्छा 370 क्या था? 370 धारा ऐसे थी जहाँ पे जो था कांग्रेस के टाइम में उन्होंने एक संविधान में एक ऐसा एक्ट बना दिया था कि उनके लिए जो स्पेशल पैकेज, दैट वाज 370 था, धारा 370 था। उसके बाद क्या होगी, बीजेपी सरकार ने उस चीज को क्या था 370? गुड क्वेश्चन। धारा 370 धारा वो थी, उसमें वो नहीं था सर क्या उसमें जो स्पेशल था उनके लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए? वो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन उनके लिए स्पेशल था 370 में। स्पेशल था तो, और दूसरा काम बीजेपी का? बीजेपी का सबसे बड़ा काम है कि हिंदुस्तान जो हमारा देश है, हिंदुओं का देश है, तो यहाँ सभी धर्मों और समाज के लोग रहते हैं। एक तरफ आप कह रहे हो हिंदुओं का देश है, फिर कह रहे हो सभी धर्मों का। तो जो हिंदुओं का तो देश है ही है, लेकिन इसमें जो बाकी जाति धर्म रहते हैं उनकी भी, मतलब उनका स्पेशल रिस्पेक्ट किया जाता है, किसी तरह का इग्नोर किया जाता है। तो यहाँ पे दिवाली मनाई जाती थी, तो दिवाली का जो विशेष जो त्यौहार रहता है वो भगवान राम का था। तो वहाँ राम जन्मभूमि थी, वहाँ पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था बाबर के टाइम में। ठीक है जी, राम मंदिर। तीसरा सबसे बड़ा हिमाचल में ये जो काम किया जयराम की सरकार है, वो भी बीजेपी की देन है, क्योंकि दिल्ली में मोदी बैठे हैं, हिमाचल में जयराम की सरकार। तीसरा काम है। चौथा सबसे बड़ा काम है कि हिमाचल में जो थे हमारे बुजुर्ग थे, जिनको 80 साल के बाद पेंशन लगती थी, 90 में नहीं मिलती थी, अब उनको 60 साल का पेंशन मिलना शुरू हो गई है। तो इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता है। पांचवा सबसे बड़ा काम है कि जो हिंदुस्तान के जितने भी किसान थे, किसी ने उनकी इज्जत नहीं की थी। एक मोदी सरकार है, एक जयराम सरकार है, जिन्होंने उसकी इज्जत की है, उनको हर, मेरे कहने का मतलब कि हर उनको वो कहते हैं। बीजेपी सरकार में गैस सिलेंडर का दाम कितने से कितना हुआ? गैस सिलेंडर का दाम जो अराउंड अबाउट 40% बढ़ा है। तो आई डोंट 40% 400 से कितना गया? 400 ने 700 के अराउंड अबाउट था जब स्टार्ट हुआ था, अब जो लेवल 100 समथिंग है कुछ ऐसा है। पेट्रोल का भी अराउंड अबाउट 30 से 40 रुपए बढ़ा है, 80 अराउंड अबाउट था, तो अब रख लीजिए रफली 95 के अराउंड अबाउट। महंगाई कितनी बढ़ी? महंगाई को अराउंड अबाउट 6-7% का दो इंक्रीज हुई है, 6-7%, जबकि जो लोगों की इनकम भी बढ़ी है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ा है, लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं थी, पैदल कई तरह की थी, तो उसमें जो है बड़ा भी है। चलिए ठीक है, और कुछ नहीं ना बोलना है? बस जैसा ना, बस इतना नॉलेज है। चलिए ठीक, इतना ही नॉलेज है? हाँ यस। इतना नॉलेज कम है। ठीक है सर, क्या नाम है आप? मनमोहन मेरा नाम है सर। मनमोहन समझ गया। मनमोहन, तो एक बात ही बताइए, करते क्या आप? मैं तो कुछ नहीं, बेरोजगार हूँ मैं। हिंदुस्तान में बेरोजगार हूँ मैं, 98 का ग्रेजुएट हूँ और साथ में स्टेट लेवल का स्पोर्ट्समैन ऑफ इंडिया का भी हूँ। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने हमारी तरफ नहीं सोचा है। मगर क्यों? तो करते खर्चा बचा के, खर्चा कर लेते हैं, काम जो मिल जाता है कुछ थोड़ा मोटा कर लेते हैं। खोपड़ी तोड़ साले का। देख लीजिए कैसे कैसे अंधभक्त है, अंधभक्तों की कमी नहीं देश में, और कैसे अंधभक्ति फैला रखते हो। गॉड, में ऐसे अंधभक्तों करो क्या, और खुद को दूसरों को रोजगार दिलाते की बात करते हैं, देखो खुद के पास ही रोजगार नहीं है। क्या ही होगा ऐसे लोगों, कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोगों का, कि उनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है और अंधभक्ति का बीज बोया हुआ है उनके दिमाग में, कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोगों का। तो वीडियो बहुत ही अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग थी, तो आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना।